सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में अपना न्यूक्लियर प्रॉपर्टी चल रही थी, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ की बात मैं कर रहा था और न्यूक्लियर रेडियस की बातचीत अपने थोड़ी बहुत की थी। निष्कर्ष के रूप में आपको क्या याद रखना था वहाँ पे कि न्यूक्लियर रेडियस वो किस बात पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर रेडियस किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं प्रकीर्णन के द्वारा, वो बात अपन वहाँ पर की थी। लेकिन उतना डिटेल एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, निष्कर्ष के रूप में आप क्या याद कर सकते हो। निष्कर्ष केवल इतना ही है कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो इस प्रकार से याद करनी है, R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट एक कॉन्स्टेंट है और ए आप जानते हो ए क्या आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ठीक बात है ना। फिर बाद में हाँ एक बार दोबारा बोलूँगा, याद क्या किया आपने कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर होती है, R बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 के इक्वल होती है, अपने फिलहाल तक ये फाइंड आउट किया है, ठीक बात है ना। फिर बाद में बात आती है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के अंदर बात करें तो घनत्व की बात आती है, नाभिक के घनत्व की बात आती है। तो देखो एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो दो एक मिनट रुक के करता हूं मैं, कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड नहीं करता है, ये थोड़ी देर में अपन करते हैं। उससे पहले मैं बात करूं कि नाभिक का घनत्व है वो किस प्रकार से चेंज होता है, कॉन्स्टेंट रहता है या फिर नहीं रहता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो घनत्व ज्ञात करने के लिए अपना एक फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, और वो उसके द्वारा जो ग्राफ प्राप्त होती है वो इस प्रकार से प्राप्त होती है। यहाँ पे लिखा डिस्टेंस, नाभिक के केंद्र से दूरी का बढ़ता क्रम लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा रो लिखो या फिर रो अपॉन रो नोट लिखो, रो अपॉन रो नोट। यहाँ पर रो नोट जो है वो है केंद्र पर, नाभिक के केंद्र पर घनत्व का मान है, और ये इस प्रकार से प्राप्त होता है, ये थोड़ा सीधा करना भाई, यहाँ पे कोना नहीं करना। देखो आपने नोट किया होगा यहाँ पर माना कि ये सेंटर है, ये क्या है सेंटर है, तो यहाँ पर रो अपन रो रो नोट की वैल्यू क्या है एक होगी, ये घट रही है और यहाँ घटते घटते कितनी रह गई 90% रह गई, घनत्व का मान क्या रहेगा 0.9 या 90% रह गया, ठीक बात है। इसके संगत एक लाइन ये खींच रहा हूँ, फिर एक लाइन एकदम बीचों बीच ये खींची मैंने, माना कि यहाँ पर रो अपॉन रो नोट का मान आधा हो गया 0.5 हो गया, ठीक है ना। इसके और फिर एक लाइन ये खींच देता हूँ और ये वो मान है जहाँ पर घनत्व का मान 0.1 हो गया या फिर 10% रह गया। इसके संगत जो डिस्टेंस होती है 0.5 के संगत, उसको ही अपन क्या मानते हैं, नाभिक की त्रिज्या का आमाप मानते हैं, नाभिक की त्रिज्या का आमाप माना जाता है या फिर मान लो नाभिक की त्रिज्या मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो केंद्र से जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो घनत्व का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक बात है ना। फिर देखो एक फॉर्मूला अपना, घनत्व का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से दिया जाता है, रो इक्वल टू रो नोट 1 प्लस एक्सपोनेंशियल स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, कैपिटल आर कोई संख्या है ये नहीं है भाई, ये कैपिटल आर अलग है, ये अलग है, या इसको आर नोट लिख देता हूँ डेल, ठीक बात है ना। यहाँ पर देखो इसको आप याद करना चाहो कर लो, प्राय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप केवल इतना याद कर सकते हो कि नाभिक का घनत्व है जब केंद्र से बाहर की ओर आते हैं तो परिवर्तित होता रहता है, ठीक बात है ना। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि नाभिक की त्रिज्या किसे कहेंगे, तो नाभिक के केंद्र से वो दूरी जहाँ पर नाभिक का घनत्व केंद्र का आधा रह जाता है, केंद्र का क्या रह जाता है आर नोट, वो दूरी है जहाँ पर रो का मान रो नोट का आधा हो गया, इसे नाभिक की त्रिज्या का आमाप भी आप बोल सकते हो, ठीक बात है। फिर बाद में देखो 0.9 से 0.1 होने तक ये डिस्टेंस तो है, या फिर ये लिखो ये डिस्टेंस है, इसको नाभिक की सतह की मोटाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं नाभिक की सतह की मोटाई बोलते हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हो
कि नाभिक का घनत्व 90% से 10% होने जहां पर होता है वो नाभिक की सतह की मोटाई कहलाती है। इसको अगर मैं डी लिखूं तो डी दिया जाता है डी नहीं याद रखो तो ही ज्यादा बढ़िया है, वैसे नहीं याद रखें तो ही ज्यादा बेटर है। वैसे डी आपका, उससे पहले देखो ये आर नोट जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये प्राप्त हुआ है 1.1 × 10⁻¹⁵ मीटर आपको प्राप्त होता है। ठीक बात है। जहां तक अपने डी की बात कर रहे थे, डी अगर आप याद करना ही चाहो तो ये बराबर होता है डी का जो मान है ये होता है 4.4 डेल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डेल के बराबर होता है। ठीक है ना। तो देखो यहां मेरा बताने का थोड़ा सा मकसद, दो ही लाइन बताने का मकसद है मात्र। पहला है निष्कर्ष के रूप में आपने याद किया कि नाभिक की त्रिज्या है वो r = r0 a³/1/3 होती है। दूसरी लाइन ये बताई मैंने यहाँ पर कि नाभिक का घनत्व तो इस प्रकार से चेंज होता है। याद रखना चाहो तो ρ = ρ0 1 × exponential r - r - r - r - del कैपिटल आर या आर नोट जो है ये आपकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली इतनी प्राप्त हुई है, याद रखो तो ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर मैंने दो बात बताई ही कि घनत्व के आधार पर नाभिक की त्रिज्या का माप क्या लोगे, तो आप ये लिखोगे नाभिक की त्रिज्या वो डिस्टेंस, नाभिक से वो दूरी है, नाभिक के केंद्र से वो दूरी है जहाँ पर घनत्व का मान आधा हो जाता है। फिर बाद में अगली स्टेप ये बोल सकते हो नाभिक की सतह का माप क्या है या सतह की मोटाई क्या होती है, तो आप ये बोल सकते हो कि नाभिक के घनत्व का मान केंद्र के 90% से 10% या 0.9 से 0.1 होने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसी को नाभिक की सतह की मोटाई कहते हैं। आपको इतना ही याद करना है, इससे अलावा कुछ याद नहीं करना है बीएससी थर्ड लेवल पे, अपने बीएससी थर्ड पे। इसके बाद में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा था। मैं ये बता रहा था कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व ए पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये बात थी कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना था, ये आया एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व है वो ए पर डिपेंड नहीं करता है। घनत्व अपन जानते हैं, घनत्व का फॉर्मूला क्या, द्रव्यमान बटा आयतन। अपन लोग ये भी जानते हैं किसी नाभिक के अंदर कितने न्यूक्लियन होते हैं। अपन लोग ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियनों के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं। अपन लोग ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, एक्यूरेट इक्वल नहीं होता है लेकिन लगभग बराबर होता है। तो अपन मान लेते हैं, माना सबसे पहले जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है नाभिक का, वो क्या जेड है। ठीक बात है, मेरे हिसाब से परमाणु क्रमांक क्या आपका जेड है, और द्रव्यमान संख्या क्या है आपकी, द्रव्यमान संख्या वो है ए है। प्रत्येक न्यूक्लियोन का द्रव्यमान, प्रत्येक न्यूक्लियोन का द्रव्यमान मान लेता हूं क्या स्मॉल एम है। यहां ध्यान देने वाली बात है, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा हूं न्यूक्लियोन यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी एम ही मान लिया और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी क्या मान लिया, एम ही मान लिया। उससे पहले द्रव्यमान संख्या में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटोनों का योग ही तो है, न्यूट्रॉन और प्रोटोनों का योग होता है। ठीक बात है ना। अब आ जाओ देखो घनत्व, नाभिकीय घनत्व है, नाभिकीय घनत्व की अगर मैं बात करूं तो ये आता है देखो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। यहां अगर डिटेल में लिखूं तो नाभिक का द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन। आ देखो इस नाभिक के अंदर न्यूक्लियोनों की संख्या है ए है, एक न्यूक्लियोन का द्रव्यमान है वो स्मॉल एम ले रखा है मैंने, कितना ले रखा है स्मॉल एम ले रखा है, तो ए न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान ए इंटू एम होगा या नहीं होगा, नहीं समझ आई बात है। तो आप इसको दोबारा, एक न्यूक्लियोन का द्रव्यमान एम है, ए न्यूक्लियोनों का द्रव्यमान ए इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। आयतन नाभिक को अपन गोलाकार लेते हैं तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। क्या लिखूं, 4/3 πr³। आर क्यूब की जगह यहां लिखा जाएगा त्रिज्या कितनी है, चलो एक बार तो आर क्यूब लिख देता हूं,
अच्छा अपन लोग जानते हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है नाभिक के लिए, आर नोट ए वन बाई थ्री, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये आ गया आपका ए इंटू एम और चार बटा तीन पाई, और ये लिखा जाएगा आर नोट का क्यूब और ए क्यूब करूँगा तो ये आएगा, दोनों साइड से आपका ए से ए कैंसिल और ये प्राप्त होता है चार बटा तीन पाई आर नोट क्यूब। यह आप देख रहे हो इसके अंदर ए नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है, ए नहीं है, तो आप कह सकते हो कि नाभिक घनत्व है वो ए पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक बात है ना। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर अगला पॉइंट आता है एंगुलर मोमेंटम किसका, यहां पर बात करें नाभिक का तो नाभिक की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को नेज कोणीय संवेग, देखो हिंदी में एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं कोणीय संवेग, ठीक बात है ना, तो ये लिखा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का जो प्रचलित नाम है, जो नाम प्रचलन में है वो अपन लिखते हैं प्रचक्रण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन, क्या बोलते हैं, स्पिन बोलते हैं। देखो आपने कुछ नाम सुने सूक्ष्म संरचनाएं, वो जो फाइन स्ट्रक्चर जो होती हैं, स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते टाइम या हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब अध्ययन करते हैं तो सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या करने के लिए, सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या करने के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन की कल्पना की गई थी या फिर इलेक्ट्रॉन के नैज कोणीय संवेग की कल्पना की गई थी। एक तो ये ध्यान देने वाली बात है, स्पिन और नैज कोणीय संवेग दोनों एक ही चीज़ हैं, की कल्पना की गई थी। ठीक वैसे ही पावली ने हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, पहले था फाइन स्ट्रक्चर की, अब है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अति सूक्ष्म संरचना हाइपर फाइन स्ट्रक्चर की व्याख्या करने के लिए नाभिकीय स्पिन या न्यूक्लियर स्पिन या नाभिक के नैज कोणीय संवेग की परिकल्पना या कल्पना की गई थी। क्या बात समझ आ गई सबके, जिस प्रकार से जैसे मान लो नाभिक है ऐसे समझो जो फाइन स्ट्रक्चर होती है ना स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, उसकी व्याख्या करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन स्पिन की व्याख्या की कल्पना की गई थी, और यह ऐसी कल्पना करके फाइन स्ट्रक्चर की व्याख्या की गई थी। यहां मैं बोल रहा हूं हाइपर फाइन, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर की व्याख्या करने के लिए किसकी व्याख्या की गई, किसकी कल्पना की गई, नाभिकीय स्पिन की कल्पना की गई, नाभिकीय स्पिन की कल्पना की गई, ठीक बात ना, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ नैज कोणीय संवेग की कल्पना की गई, नैज कोणीय संवेग की कल्पना की गई। अच्छा इसको नॉर्मली अपन जे से लिखते हैं, जे वेक्टर से लिखते हैं, ठीक बात ना, अगर ये कोणीय संवेग है तो इसके इससे संबंधित चुंबकीय आघूर्ण भी होगा, क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। देखो इसको आप ऐसे समझो, ये आपका नाभिक और ये आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर गतिशील है, गतिशील इलेक्ट्रॉन यानी करंट, और करंट क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र, क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यहाँ भी करेगा इधर भी करेगा, तो देखो ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और इसके अंदर क्या है, नाभिक के अंदर है म्यू जे चुंबकीय आघूर्ण, इन दोनों के बीच में क्या होगी, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, अन्योन्य क्रिया होगी, इसको बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट, स्पिन कहाँ से आया, स्पिन यहाँ से आया, ऑर्बिट कहाँ से आई, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से आई, इनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो आपको प्राप्त होती है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैंने देखो कुछ विशेष अपने बीएससी लेवल के लिए ये इतना प्रेशर नहीं दिया है, कई लोगों के कन्फ्यूजन रहता है कि नैज कोणीय संवेग स्पिन इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, उसके लिए इतनी सारी बातें बताई हैं। फिलहाल में आपने दो ही बात याद की, फाइन स्ट्रक्चर की व्याख्या करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन की कल्पना है और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर की व्याख्या करने के लिए न्यूक्लियर स्पिन की कल्पना है या फिर नैज कोणीय संवेग की कल्पना है। नैज कोणीय संवेग को अपन जैसे लिखेंगे और इससे क्या प्राप्त होगा, चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि इस जे का, जे का नाम लेते ही यहाँ जो बात कर रहा हूँ जे की, वो न्यूक्लियर स्पिन की बात हो रही है, न्यूक्लियर स्पिन या कोणीय संवेग या नेज कोणीय संवेग, जे वेक्टर, इसका जो निरपेक्ष मान है, एब्सोल्यूट वैल्यू है,
वो इस प्रकार से दी जाती है, जे जे प्लस वन और एच क्रॉस। एच क्रॉस क्या होता है मेरे हिसाब से सब लोग जानते हो, एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन टू पाई, और ये बराबर था 0.54 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, ये आप लोग जानते हैं। ठीक बात ना। अब देखो, अब न्यूक्लियोनों का स्पिन, न्यूक्लियोनों का अगर स्पिन की मैं बात करता हूँ तो स्पिन को अपन किससे लिखते हैं, एस वेक्टर से लिखते हैं। अच्छा, इसका जो निरपेक्ष मान है वो क्या आ जाएगा, एस वेक्टर इक्वल टू एस एस प्लस वन और एच क्रॉस आ जाएगा। ठीक बात ना। प्रत्येक न्यूक्लियोन के लिए चाहे वो एन हो चाहे पी हो, इस एस का जो मान है वो होता है किसके बराबर, 1/2 के। किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो √3/2 एच क्रॉस, एस की जगह 1/2 रखा है। ठीक बात ना। फिर देखो, अपन लोग जानते हैं अनिश्चितता के सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अपन जानते हैं कि जे का जो मान है, देखो जिस प्रकार से अपना था ना एक्स एंड पी एक्स, एक्स एंड पी एक्स डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स, यानी एक्स और पी एक्स का मान अपने एक साथ मेजरमेंट सही नहीं कर पाते हैं, ठीक वैसे ही जे का मान किसी निश्चित दिशा में एक साथ अपन एकदम एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं कर पाते हैं। इसके लिए इसका जो जेड दिशा में जो मान है वो निकालते हैं किसी एक दिशा के अंदर, जे जेड, और ये दिया जाता है एम जे और एच क्रॉस, एम जे और एच क्रॉस। यहाँ जो एम जे जो है आपका, ये होता है माइनस जे से प्लस जे तक, यानी कुल कितने मान होते हैं, कुल 2j+1 मान होते हैं, वैल्यू होते हैं। ठीक बात है। तो इस प्रकार से आपने ये थोड़ा सा फाइंड आउट किया। अब अपने परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि किन नाभिकों के लिए जे का मान 0 होगा, किन के लिए पूर्णांक होगा और किन नाभिकों के लिए अर्ध पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर एक सारणी बना रहा हूँ, सारणी यहाँ तो लिखा मैंने ए सम, और यहाँ पे लिखेंगे जे का मान। चलो जे का मान, ठीक है, यहाँ क्या लिखा, नाभिक। चलो ए सम कब प्राप्त हो सकता है, जब किसी न्यूक्लियस के अंदर पहला जो केस बनता है कि आपका जेड भी सम हो और एन यानी न्यूट्रॉन भी क्या हो, सम हो। आप इसको ऐसे समझो, प्रोटॉन भी सम और न्यूट्रॉन भी सम। दूसरी सिचुएशन यह बनती है आपकी, जेड सम और ये सम हो तो, या फिर जेड विषम, विषम यानी ऑड नंबर, और एन भी आपको क्या प्राप्त हो जाए, विषम प्राप्त हो जाए। इन दोनों ही स्थितियों में, इन दोनों ही स्थितियों में आपको क्या प्राप्त होगा वो देखो, जब दोनों ही सम होते हैं तो जे का मान आपको 0 प्राप्त होगा। जे का मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। किस प्रकार से प्राप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिटेल में बात करेंगे। इस स्थिति में आपका जे का मान है वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से प्राप्त होगा। एक बार आपने याद कर लिया कि सम होने पर, ए सम होने पर आपके जे की वैल्यू ये प्राप्त होती हैं। अगली जो स्टेप है वो ये आती है कि आपका ए विषम हो। ए विषम कैसे हो सकता है कि या तो जेड सम हो, इवन हो और नंबर एक, या फिर एन क्या हो, ओड हो। दूसरा जो केस बनता है कि जेड तो आपका ओड हो यानी विषम हो और एन आपका क्या हो, इवन हो, सम हो। इन दोनों स्थितियों में जे की वैल्यू आपको प्राप्त होगी अर्ध पूर्णांक, 3, 1/2, 3/2, 5/2 इस प्रकार से प्राप्त होगी। ठीक बात है ना। तो इस प्रकार से देखो, ये वैल्यू आप थोड़ी याद कर लेना, बाकी इनकी वैल्यू किस प्रकार से नाभिकों के जो जे का मान है किस प्रकार से निकालते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।